हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आप देख सकते हैं आज मैं नरेनी के मछली मंडी में मौजूद हूं और यहां लखनऊ से आए 25 लोग मौजूद हैं जो यहां पे बारी का काम करने आए थे, पत्तल धोना, उठाने, बर्तन धोने के लिए शादी ब्याह में। लेकिन इन लोगों को जो मितियां मिली थी वो भी कैंसिल हो गई इस कोरोना और लॉकडाउन के चलते, और अब इनके पास ये स्थिति है कि खाने तक को नहीं है और ये लोग परेशान हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनको या तो प्रशासन कोई व्यवस्था करे ताकि ये लोग अपने घर जाके अपनी सुरक्षा कर सकें, खा पी सकें, या फिर इनके लिए खाने की मदद की जाए। अगर ये व्यवस्था नहीं की जाती तो ये लोग पैदल ही किसी तरह निकल जाएंगे। कब से यहाँ पे मछली मंडी में रुके हम हुए हो गया, महीना भर हो गया हमको। होली के परे से आए हम लोग। किस काम के लिए आए थे आप लोग? पत्तल वाले हैं जो पतरी अतरी धोना आना का काम करते हैं, जो बर्तन भाड़ा का धोना मजना उसी का काम करने आए थे। तो हम लोग बेरोजगार हो गए, हमारे पास न खेती है न पाती, ये मेहनत मजदूरी का काम है हमारे पास। और हमारे ये बच्चे इतना 25 जनों का परिवार है, 25-30 जने हैं। तो पहले से हम लोग को पता होता तो हम लोग घर भाग जाते। अब ये धीरे धीरे जो कोरोना आ गया तो हम लोगों को पता नहीं चला। हम लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, उतना जानते नहीं थे, तो हम लोग घर भाग जाते। अब उन्हीं लोगों ने फ़ोन करके कह दिया कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम जहाँ भी जा सकते हो, अभी शादी ब्याह हो नहीं सकते कोरोना के बारे में। अब उस दिन कल गए थे खाना, थोड़ा खाना मिला था कल, तो कल वकील साहब भी हुए थे, तुम भी हुई थी, थोड़ा खाना दिया था। तो हमने बच्चों को भिजवा दिया था खाना, हमने नहीं खाया था, पूरे दिन नहीं खाया था कल, चार जनों ने। जी पत्तल अत्तल का काम करते हैं, बारी है हम लोग। अब क्या करें, ये कोरोना के बारे में हम लोग यहाँ घिर गए हैं दीदी, क्या करें, न खाने की व्यवस्था, न साबुन की, न तेल की व्यवस्था है। अरे नहीं दो तो अपना बहाने ही करा दो, हम घर चले जाएंगे। अब यहाँ भी बच्चे हैं, वहाँ भी बच्चे मर रहे हैं भूखों के मारे। अब क्या खिला, नहीं राशन है घर में, थोड़ा बहुत राशन है तो रखा है वहाँ पर, क्या करें, यहाँ फंस गए हम लोग। जब 2-2.5 बजे खाना मिलता है सरकारी, अब यहाँ बच्चे भूखे मरते हैं, दर्रा चिल्लाते हैं, तो क्या खिलाएंगे, अब तुम ही सोचो। बस यही बात है, यहाँ गए थे ऑफिस में गए थे, वो मैडम भी कह रही है अब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है भेजने के लिए, तुम क्यों बेर बेर आती हो, क्यों बेर बेर आती हो। हाँ अगर पैदल जाना होगा तो पैदल ही निकल जाएंगे, ना तो कोई वाहन चलेगा तो उसके निकल जाते हैं हम लोग, ना तो पैदल जाना ही पड़ेगा, तो और कोई साधन तो है नहीं। अब कहीं भी जाएंगे जिला परिषद में, वहाँ भी पकड़ के डाल देंगे पुलिस वाले, फिर भी क्या करेंगे हम, वही परेशान हो जाएंगे। फिर अब इतना लड़का बच्चा लेके जाएंगे कहाँ, बताइए। इस साल ये दिक्कत हो, खाने पीने की परेशानी हो गई, न चावल है न आटा है, न साग सब्जी है, कुछ भी नहीं है, क्या करें सर। अब ये करना बीमारी नहीं, न मेहनत कर पाए, न मजूरी कर पाए, करना बीमारी तो जान खा गई। ये चाहते सर या तो कोई राशन मिले या तो फिर घर भेज दें। घर भेजने के लिए आपने किसी से मदद मांगी? हाँ सर मदद मांगी है। तो क्या हुआ? उसने भी नामाकारी कर दी, तहसील से भी किया, तहसील साहब से भी कहा, SDM से भी कहा, अभी कोई जवाब नहीं दिया सर किसी ने। क्या करें, धीरे धीरे घर चले जाएंगे, क्या करें, भूखे तो मर नहीं जाएंगे, नए बच्चों को मारेंगे। कोरोना पर खबर लहरिया का अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों, नाक और मुंह ना छुए। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।